आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और शराबबंदी पर जिस तरीके से सदन के भीतर और सदन के बाहर भी गहमा गहमी देखने को मिलेगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं शराबबंदी पर कि आखिर बिहार में शराब आ कैसे रहे हैं। पटना पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पटना को टाइट करिए, लेकिन पटना अगर शराब आती है तो लगभग 4-5 जिलों को पार करके आती है। बात करने के लिए राजद के विधायक है रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आखिर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं उसके बावजूद भी शराबबंदी पर नकेल नहीं कसी जा रही है। देखिए, सब बैठक या समीक्षा सब दिखावा है और ये दिखावा के लिए होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि शराब का सिंडिकेट किस प्रकार से बिहार में बना हुआ, आखिर बॉर्डर से अंदर आता कैसे, कौन लोग मिले हुए हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये सब सिर्फ जनता को दिखावा के लिए समीक्षा बैठक, और बाकी पूरे तौर पर सत्ता का संरक्षण, बिना सत्ता के संरक्षण से एक सुई अंदर नहीं आ सकता है बॉर्डर से साहब। ये ट्रक का ट्रक, यानी कि पूरे तौर पर दर्जनों ट्रक प्रत्येक बॉर्डर से निकलता है और इसका जवाबदेही तो प्रशासन का है, शासन का है। ये खोजते कहाँ है, कमिटी हॉल में, जहाँ शादी है, ब्याह है, हमारे महिलाएँ, हमारा यह भारत देश है, बिहार देश है, संस्कृति पर है। आज इस परंपरा में भी आप बताइए, बिना महिला पुलिस के आप छापा मारते हैं, चेक करते हैं, ये निश्चित तौर पे आहत करता है या बिल्कुल ही गलत बात है। तो पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को पता है, उसके अधिकारियों को पता है, पदाधिकारियों को पता है, पुलिस को पता है कि शराब कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरकार की जो पुलिस है शादियों में रेड कर रही है, लेकिन एक चीज़ देखा गया है हाल के दिनों में जो स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि बिहार सरकार के कई मंत्रियों के आवास के बाहर शराब मिल रहे हैं, आखिर वहाँ पे सरकार प्रहार क्यों नहीं कर रही है। तो सरकार जानती है, सरकार इसलिए नहीं प्रहार कर रही है कि सरकार जानती है इन बातों को, पुलिस जानती है कि इनके हाथ लंबे हैं, इनको संरक्षण देने वाले बड़ी ताकतवर लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, इसलिए पुलिस भी हिचकती है उन अधिकारियों के आवास के बाहर जो शराब मिलता है, उन मंत्री विधायकों के आवास के बाहर जो मिलता है, इसलिए कार्रवाई करने से अधिकारी डरते हैं। यानी कि सत्ता में बैठे लोग ही संरक्षण दे रहे हैं इस तरह। निश्चित तौर पे अगर ईमानदारी से जिस दिन सत्ता के बैठे लोग, ताकतवर लोग, माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन चाहेंगे ईमानदारी से, दिल से, कि शराब बिहार में बंद हो जाए, तो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का सपना सच होगा। तौर से राजद के विधायक है रणविजय साहू, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से छापेमारी हो रही है बिहार में, साफ तौर से इनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोग ही शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। इस वजह से जिस तरीके से कई मंत्रियों के आवास के बाहर से जब शराब की बरामदगी होती है तो पुलिस वहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है, साफ तौर से उनका कहना है कि अगर उन पर कार्रवाई होगी तो जो पुलिस की हाथ है वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचेगी। अब इस पर मुख्यमंत्री और सरकार क्या कहते हैं ये देखना ज़रूरी होगा। कैमरामैन हीरा के साथ रमन राय, पटना।